गुरसिख पिता पुत्र ते उन्हां दे नौकर दी पुलिस हिरासत च कुटमार ते नगन करके वीडियो वायरल। हुण तुहानू सब याद आ गया होना, आखदे ने कि आखिर सच्चाई दी जित हुंदी है। खन्ना वाले केस च वी कुछ अजिहा ही होया। मुलजम इंस्पैक्टर बलजिंदर सिंह नू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला जमीनी झगड़े का सी। इल्जाम सी इंस्पैक्टर बलजिंदर सिंह ने तीन व्यक्तियों नू घरों चुकिया, नजायज़ पुलिस हिरासत च रखिया ते अन्ना तशद्दुद ढाहिया, इन्हां नू नंगियां करके वीडियो बना के वायरल कर दित्ती। पहलां तां पुलिस ने पीड़ितां दी शिकायत ते कोई कार्रवाई नहीं की, पर जदों दबाव वध्या तां कार्रवाई दे नाते खाना पूर्ति की गई। मुलजम इंस्पैक्टर की केवल बदली करके सार दिता गया, पर जो होर दबाव बनया तो मामला दर्ज होया, जिस तो बाद बलजिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट च पेश की जमानत लई अर्जी लाई जो खारिज हो गई। वो करीब दो महीनों तो गिरफ्तारी तो बचने लई चाराजोई कर रहा सी, पर आखिर पुलिस ने उसनू दबोच लिया। पहला मैं तुहानू यह जानकारी दित्ती सी, एक जिहड़ा एक खन्ने वाला केस होया जिथे कि खन्ने दे विच एक अमृतधारी सिख नू उदे बच्चे नू ते एक दलित उदे नौकर नू थाने दे विच नंगे करके उन्हां नू बुरी तरह कुटिया मारिया, टॉर्चर किया, नाले उन्हां दी वीडियो बना के वह वीडियो जनतक कर दित्ती। ते ओ वाला जिहड़ा केस हो एस एच ओ दे खिलाफ बड़ी मुश्किल दे नाल ओ केस दर्ज होया सी। पहला तां मैं पहला मुख्यमंत्री नू चिट्ठी लिखी, फिर हाई कोर्ट ते भी आदेश होए, उस तो मगरों जाके एस आई टी अपॉइंट हुई, फिर वो एस एच ओ के खिलाफ केस रजिस्टर होया। केस रजिस्टर तो मगरों एस एच ओ ने अपनी जमानत वास्ते एप्लीकेशन पाई सी सुप्रीम कोर्ट के, जो तीन दिन पहला उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की। पहला उन्हें पाई सी सैशन कोर्ट ने, उन्हें डिसमिस की, फिर हाई कोर्ट च पाई सी, उन्होंने हाई कोर्ट ने भी डिसमिस की। तो पुलिस उन्होंने गिरफ्तार नहीं सी कर रही, तो हुण वो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट की भी डिसमिस हो गई। तो उस केस के अज उस एस एच ओ नू अरैसट कर लिया गया। हुण देखो ये जो इस तरह के जो टॉर्चर, इस तरह के घिनौने जुरम प्यो पुत नू कठिया नू ते उन्हां दे नाल एक दलित सर्वेंट नू नंगे तिन्हां नू कठिया नू करके उन्हां नंगे थवाला च रखना, उन्हां नू टॉर्चर करना, ये बल्कि इहो जिहे कम करने वह भी एक वर्दी दे विच रहिंदे होए एक अफसरां ने, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक गल आ। तो इन्हां लोकां नू हर हाल दे विच सज़ा मिलनी चाहीदी है। तो अज वो गिरफ्तार होया ते हुण अगे इस केस च कार्रवाई चलू। इस पूरे कांड नू लैके पीड़ित परिवार ने हल्के दे कांग्रेसी लीडर ते भी सवाल खड़े कीते ने। जद इह वीडियो सामने आई सी तां सियासत भी खासी होई सी। फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे हुक्मां ते डीजीपी दिनकर गुप्ता वालों एस आई टी का गठन किया गया सी। एडीजीपी डॉक्टर नरेश अरोड़ा की अगवाई च बनी एस आई टी ने अपनी रिपोर्ट च बलजिंदर सिंह ते एक हैड कॉन्सटेबल वरुण कुमार खिलाफ केस दर्ज करवाया सी। यह केस 4 जुलाई नू दर्ज होया सी। हुण आखिर मुलजम इंस्पैक्टर बलजिंदर सिंह पुलिस हिरासत च है, ते वेखना होगा कि कानून के रखवाले मुलजम इंस्पैक्टर बलजिंदर सिंह नू कानून की सज़ा दिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वर्ल्ड पंजाबी टीवी।